छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाकूबाजी के मामलों में दिनों दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं त्योहारी सीजन में 10 बड़ी चाकूबाजी की वारदातें सामने आई है, जिसमें 2 की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिले में लगातार हो रही चाकूबाजी से स्थानीय लोग खौफजदा हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाकूबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। त्योहारी सीजन में ही 10 बड़ी चाकूबाजी की घटनाएं हुई है, जिसमें 2 युवकों की मौत और 8 से अधिक लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, यदि चाकूबाजी की तमाम जितने थाने हैं उनके आंकड़ों की यदि बात की जाए तो जनवरी से लेकर सितंबर माह तक 206 चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें से 31 थानों में से कोतवाली थाना शीर्ष पर है। जब चाकूबाजी मामले को लेकर रायपुर जिले में सर्वे किया गया तो जनवरी से लेकर सितंबर तक जिले में 206 चाकूबाजी की वारदातें सामने आई है, जिसमें जिले के 31 थानों में से कोतवाली थाना अव्वल नंबर पर है। पिछले 1.5-2 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा चाकूबाजी घटनाएं हुई नहीं, अभी त्योहारी सीजन में कुछ घटनाएं हुई हैं। जिसने भी घटनाएं हुई हैं उसमें आरोपियों को सभी को गिरफ्तार किया गया है, चाहे चाकूबाजी हो, चाहे हत्या हो या हत्या प्रयास हो, सभी में कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई हो। और घटनाओं को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए पुलिस के द्वारा यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसका प्रयोग हम जब घटनाएं हो जाती है उसमें आरोपियों को पता तलाश के लिए करते हैं, और उसका काफ़ी हमको उसमें मदद मिलती है, और अपराध नियंत्रण के लिए भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग में कमी देखने को मिली, गली वगैरह पेट्रोलिंग नहीं हो पाती, गाड़ियां काफी ऐसी नहीं है, मतलब सभी में पेट्रोलिंग कराई जा रही है और आगे भी हम इसमें और ध्यान। हालांकि जिले के 3 ऐसे थाने भी हैं जिसमें चाकूबाजी के 1 भी वारदात सामने नहीं आए। दरअसल पुलिस विभाग से जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है उसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक जिले के मौधापारा, राखी और नवापारा थाना में कोई ऐसा मामला नहीं आया है। आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब मौधापारा थाना क्षेत्र में अक्सर चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन जनवरी से लेकर सितंबर तक के आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो मौधापारा थाना क्षेत्र में 1 भी चाकूबाजी की वारदातें नहीं घटी है। बता दें कि चाकूबाजी के ज्यादातर मामलों में नाबालिगों की संलिप्तता देखी गई है, जो कि पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। वहीं रायपुर पुलिस ने कुछ माह पहले चाकुओं का जखीरा बरामद किया था, उसमें ज्यादातर ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों में नाबालिग शामिल थे, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर छोड़ दिया था। राजधानी रायपुर में जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है उसमें सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चे शामिल हैं। हालांकि रायपुर पुलिस ने कुछ माह पहले ही जो ऑनलाइन जिस तरह से जो चाकू जिन लोग मंगाए थे उस पर एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें तकरीबन 800 के आसपास जो है चाकू वो बरामद किए गए थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले पे उन नाबालिग बच्चों को छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश के साथ ETU भारत रायपुर।